नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रों में खाने के लिए एक मैं सिंपल सी रेसिपी बता रही हूँ, राजगिरे की पूरी और आलू की दही वाली सब्जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे हम, बहुत सिंपल सी थाली बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, सब्जी के लिए पहले मैंने यहाँ 3 से 4 आलू लिए हैं और बॉईल करके उन्हें इस तरह से तोड़ लिया है। और आधा लीटर छाछ लिए, ये मैंने दही से घर में ही पानी डालकर बनाई है, आप बाज़ार की छाछ ना लें। काली मिर्च है, सेंधा नमक है और जीरा है। थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस किया है और बारीक हरी मिर्च काट ली है। तो ये मसाले आप अपने टेस्ट से ले सकते हैं। और देखिए, पूरी के लिए ये राजगिरे का आटा लिया है 1 कटोरी, और 1 कटोरी मैंने आलू को मैश कर लिया है, बॉईल आलू है, कद्दूकस कर लिया, और सेंधा नमक और काली मिर्च है। तो आइए इसका आटा गूंथ लेते हैं हम। तो देखिए, आटे में हम आलू डालेंगे और टेस्ट से नमक और हल्की सी काली मिर्च डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ बहुत थोड़े ही पानी की हमें ज़रूरत होगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आप बहुत ध्यान से बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। तो इस तरह देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लें और इस पर थोड़ा घी लगा कर इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो लगभग 100 ग्राम आटा था, उससे देखिए बहुत अच्छे से 7-8 पूरी बन जाएगी। तो सब्जी बनाते हैं हम। तो आप घी या जो भी तेल खाते हैं वो कढ़ाई में गरम करें, उसमें जीरा डालें और जो हमने अदरक कसी थी और थोड़ा सा हरी मिर्च लिया था उसे भूनें, और सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनें, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसे हमें छाछ डाल देनी है इसमें हमें इस समय में। तो देखिए, छाछ फट सकती है, तो थोड़ी पतली हो छाछ तो ठीक है, और इसे लगातार आप चलाइए तो इतना फटेगी नहीं। और जब उबाल आए तब तक चलानी है आपको, और बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा। और उबाल आने के बाद इसमें आप ये आलू मिला दें और इसे फिर से हिलाएं। अब इसमें आप मसाले डालें, तो काली मिर्च डालनी है, सेंधा नमक डालना है, और अगर आप कसूरी मेथी या हरा धनिया जो भी डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। अब इसे हम कम से कम 5 से 10 मिनट कम गैस पर इसे बॉईल करेंगे, उससे आलू और ग्रेवी बहुत अच्छे से मतलब टेस्ट देंगे, आपस में मिल जाएंगी। अब पूरी बनाते हैं। तो आप जो भी तेल खाते हैं व्रत में, उस तेल को गरम करें या घी को गरम करें। तो देखिए, हाथ पर इस तरह से घी लगाइए आप, हम बेलेंगे नहीं क्योंकि बेलने से ये फट जाती हैं चारों तरफ से, और हाथ पर ही थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे हथेली से। और इस तरह देखिए, छोटी छोटी सी पूरी बनाएंगे हम, और पहले तेल गरम रखेंगे, बाद में हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। तो इस तरह से बनाते हुए देखिए हम ये पूरी बना लेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी पूरी नहीं होंगी, छोटी ही बनेंगी। बेलने के लिए आपको कई बार कई ट्रिक्स करनी पड़ती है, प्लास्टिक में बेलिए, तो ये हाथ से बहुत इजीली हो जाता है, बस हथेली पर फैलाइए आप, इस तरह डाल दीजिए। तो देखिए, ये फूल भी जाती हैं, और आप इस तरह से सारी बनाकर एक बार प्लेट में रख भी सकते हैं और फिर सबको एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इन्हें 5 से 7 मिनट दोनों तरफ से पकाइए आप टोटल, और ये तैयार हो जाएंगी पूरी हमारी। तो ये देखिए, इतनी टेस्टी आलू की दही वाली सब्जी और राजगिरा की पूरी तैयार है। आप साथ में कुछ सैलेड लीजिए, थोड़े से फ्रूट्स लीजिए, आपका खाना हो गया पूरा, बहुत कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत थोड़ा ही खाना चाहते हैं व्रत में तो